Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already are addicted to the rest. जय श्री कृष्णा राधे राधे जय महादेव वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तंदुरुस्त होंगे मैं भी अच्छी हूँ स्वस्थ हूँ तंदुरुस्त हूँ तो बस जी सुबह का टाइम है मैंने चाय नाश्ता सब कर लिया है योगा एक्सरसाइज भी कर ली है तो बस आ गई हूँ बेडरूम में और कपड़े हैं वो भी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल दिए तब तक कि जब मैं घर का काम करूंगी तो बाहर कपड़े वो भी धुल जाएंगे तो बस यहाँ पर जो एसी ब्लैंकेट है उसको मैंने फोल्ड कर दिया है वैसे तो बहुत ही गर्मी लग रही बिल्कुल भी जो ओढ़ने की जरूरत नहीं होती लेकिन रात के टाइम जो एसी चालू करते हैं तो फिर ओढ़ने की जरूरत पड़ ही जाती इसीलिए रखी है एसी ब्लैंकेट बस यहाँ पर जो बेड है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी साफ़ कर दूंगी चंदर को ऐसे ही झाड़ दूंगी आज मुझे चेंज नहीं करनी है क्योंकि दो दिन ही हुए मैंने चेंज की है उससे तो बस आज मैं सिर्फ उसको झाड़ कर अच्छे से फिट कर कर लगा दूंगी ताकि जो भी सरवटें हैं वो निकल जाए तो मुझे बेड पर इसी तरीके से बिल्कुल भी जो बेड पर सरवटें आती है तो पसंद नहीं आता है तो बस मैं इसी तरीके से खींच कर अच्छे से इसको फिट कर देती हूँ तो बस मैंने अच्छे से फिट कर दी है बेड को झाड़ कर लगा दिया है अच्छे से क्लीन कर दिया है तो यहाँ पर जो कुशन कवर है छोटे छोटे ये भी मैं तीन यहाँ पर लगाती हूँ पहले मैं जो बाहर की तरफ लगाती थी जो मेरा सोफा है वहाँ पर तो आज वॉशरूम के पास जो मेट है वो भी मैं धुलने के लिए डाल दूंगी बहुत ही गंदी हो गई है जो बेड अच्छे से सेट से हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि आधा कमरा जो है वो ठीक हो चुका है तो बस ये घीले टावल है जो सुबह सावर लिए थे तो अंदर की तरफ ही आज रह गए थे तो बस उसको मैं सुखा देती हूँ तो अभी कपड़े सुखाए नहीं है क्योंकि अभी वॉशिंग मशीन में धुल रहे कपड़े तो तब तक ये टावल है सूख जाएंगे तो मैं वहाँ से ले लूंगी कपड़े डाल दूंगी सुखाने के लिए तो बस आ चुकी हूँ यहाँ पर लिविंग रूम में तो यहाँ पर ऐसे ही आप देख सकते हैं किस तरीके से सोफे की हालत है और यहाँ पर जो बोरी पड़ी हुई उसके अंदर है गेहूं तो बस इतने गेहूं है मुझे सफाई करने है तो बस इतने हैं वो रह गए हैं बाकी तो मैंने पूरा जो रख दिया है साफ़ कर कर गेहूं को तो बस यहाँ पर जो सोफ़ा है उसको मैं अच्छे से सेट कर दूँगी क्लीन कर दूँगी तो बस सुबह के टाइम इसी तरीके से जो मल्टी टास्किंग कर, कर काम करना पड़ता है वरना जो समय का कांटा ऐसे चला जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है तो सोफ़ा है उसको मैं अच्छे से इसी तरीके से दो दिन में एक बार झाड़ देती हूँ ताकि उसके ऊपर जो भी डस्ट है वो निकल जाए तो काम करते करते साइड में मैं डेली महादेव के जो गाने हैं वो लगा देती हूँ तो मुझे हंसराज के गाने बहुत ही पसंद है तो बस महादेव के जो गाने सुनती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ तो पता ही नहीं चलता है कि घर का काम कब हो चुका है वरना अकेले अकेले जो बोरिंग सा लगता है तो बस पता नहीं चलता है गाने चलाते चलाते काम करते हैं तो तो एक साइड का जो सोफा है उसको मैंने अच्छे से सेट कर दी है तो इस बाजू भी मैं अच्छे से पूरा सेट कर दूंगी तो बस इसी तरीके से जो रूटीन मेरा चलता रहता है सुबह के टाइम तो सोफा अच्छे से सेट हो चुका है तो बस आ चुकी हूँ यहाँ पर टीवी यूनिट के पास तो यहाँ पर जो सारी चीजें पड़ी हुई वो सब मैं हटा दूंगी ताकि मैं यहाँ पर अच्छे से जो क्लीनिंग कर सकूँ तो जितनी भी चीजें मुझे नहीं चाहिए वो सब मैं वहाँ से हटा दूंगी तो बस अभी मुझे करनी है डस्टिंग तो बस यहाँ पर सबसे पहले जो टीवी है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी साफ कर दूँगी तो डेली के डेली सफाई करते ही लेकिन इतनी सारी धूल उड़ती है कि ऐसा लगता है जैसे हम काम ही नहीं करते हैं तो मेरा जो टीवी यूनिट का कलर कुछ इस तरीके से डार्क है तो उसके ऊपर तुरंत के तुरंत धूल दिख ही जाती है मैं रोज के रोज डस्टिंग करती हूँ लेकिन सुबह के टाइम इसके ऊपर इतनी जो हल्की हल्की रेत पूरी जम जाती है ऐसा लगता है हम सफाई नहीं करते तो बस पूरे में अच्छे से मैं यहाँ पर साफ कर दूंगी क्लीन कर दूंगी तो टीवी यूनिट में आप देख सकते हैं साइड में इस तरीके से मैंने बॉक्स बनवाए हुए उसके अंदर सारी चीज़ें भर गई उसको भी मुझे क्लीन करना है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ पूरी जो धूल है उसको मैं हटा कर साफ़ कर रही हूँ क्लीन कर रही हूँ क्योंकि रोज़ के रोज़ डेली के डेली इस तरीके से सारी चीज़ें हम हटाते नहीं है तो बस हफ्ते में दो या तीन बार इसी तरीके से मैं पूरा हटा चीज़ें साफ़ कर देती हूँ ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए तो तो मैं इसी तरीके से जो काम है उसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ डेली के डेली अगर हम सारी चीजें साफ करने बैठेंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं इसी तरीके से जो घर के सारे काम को मैं डिवाइड कर कर ही मैनेज करती हूँ और मैं आप लोगों को ये ग्लास दिखा रही थी जो मैंने दिवाली के ऊपर बनाए थे रंगोली के कलर से तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं तो बस यहाँ पर रखे हुए उसको मैं पूरा जो आज सफाई करना है ये सारे बॉक्स है इसके अंदर सारी चीजें भर गई है ये बहुत ही आसान है ग्लास की डिजाइन बनाना even if it was we just mess it up artificial love artificial love तो ये सारे जो ग्लास है वो मैंने रंगोली के कलर से बनाए हुए हैं ये कुछ सेलो टेप है इस तरीके से ये स्टिकर है तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी तो सामने की तरफ सारी चीजें वो सब मैं खाली कर दूंगी यहाँ पर रख दी ताकि मैं यहाँ पर अच्छे से पूरा साफ कर सकू और ये ट्रॉफी आप लोग देख रहे हैं ये सारी जो मेरे बेटे की है जो मेरा बेटा है कराटे में ब्लैक बेल्ट उसने पास किया हुआ है तो वो कराटे में दो बार नेशनल लेवल पर भी जीत चुका है तो हमारे लिए वो बहुत ही गर्व की बात है कि वो नेशनल लेवल तक जीता है तो हर माँ बाप के लिए इस तरीके से जो खुशी की ही बात होती है तो ये दोनों क्यूट सी डोल है जो बहुत ही मैली हो गई है धूल चढ़ गई उसके ऊपर तो उसको मैं पानी से अच्छे से वॉश कर दूंगी तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से उसको लिक्विड से धो दी है वॉश कर दी है उसको हम साइड में रखते हैं ताकि तब तक वो सूख जाए सामने की तरफ पूरी जो मुझे क्लीनिंग करनी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सूखे कपड़े से ही साफ करूंगी क्योंकि बहुत ही वहाँ पर डस्ट है अगर ऐसे ही गीले कपड़े से पोछूंगी तो फिर सारी जो धूल है उसके ऊपर ऐसे ही जो उसके निशान पड़ जाएंगे तो पूरा टीवी यूनिट उसको मैं पहले इसी तरीके से सूखे कपड़े से साफ कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी जो डस्ट है इसके ऊपर आपको दिख रही है तो ये दूसरा कपड़ा ले लिया इसको मैं हल्का सा गीला कर दूंगी क्योंकि वो वाला कपड़ा बहुत ही डस्ट वाला हो चुका है तो मैंने साफ कपड़ा है वो ले लिया इसको मैंने हल्का सा गीला कर दिया है और सामने की तरफ जो पूरा टीवी का यूनिट उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी साफ कर दूंगी तो जो चीजें मुझे नहीं चाहिए वो सारी चीजें जो है वो मैं वहाँ से हटा दूंगी क्योंकि इस तरीके से जो नहीं हटाते तो पूरी चीजें घर के अंदर भरती रहती है है, तो फिर पूरा घर इस तरीके से भर जाता है तो जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तब मुझे जो चीजें नहीं चाहिए होती तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि ये बहुत ही मेरी पुरानी जो फोटो है वो मैंने वहां पर लगा दी है और मेरे बेटे को जो ट्रॉफी मिली वो सारी मैंने ऊपर की तरफ रख दी है और ये सारे ग्लासेस है वो मैं वहाँ से हटा दूंगी ताकि अच्छे से पूरा नीट एंड क्लीन हो जाए तो इस तरीके से हम हमारे घर को डी क्लचर रख सकते हैं, जो चीजें नहीं चाहिए वो हमें हटा देनी चाहिए तो पूरा टीवी यूनिट हमने अच्छे से पूरा क्लीन एंड साफ कर लिया है तो बस पूरे घर की जो डस्टिंग है वो हो चुकी है तो आ चुकी हूँ फिर से बेडरूम में तो सामने की तरफ दरवाजा है वो भी मैंने अच्छे से जो झाड़ू से झाड़ दिया है ताकि जो भी डस्ट है वो निकल जाए तो इसी तरीके से अगर हमारे घर को साफ सुथरा एंड ऑर्गेनाइज रखते हैं तो हमारे घर के अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और नेगेटिव एनर्जी है कोसो दूर रहती है और इस तरीके से घर को साफ सुथरा देखकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है शांति मिलती है तो जब भी घर का पूरा काम हो जाता है तो मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे तरीके से कि मुझे जन्नत मिल गई घर को देख कर एकदम सुकून मिलता है मुझे इस तरीके से पूरा साफ़ सुथरा जो घर होता है तो बस यहाँ पर पूरे घर में मैंने झाड़ू निकाल दिया है बाहर आंगन में वहाँ पर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है तो बस आ चुकी हूँ फिर से बेडरूम में तो आज ये वाला मोब है उसी से मैं पूरा जो क्लीन कर रही हूँ तो कभी कभी मैं बैठ कर भी पोछा लगा देती हूँ मेरा कुछ फिक्स नहीं होता है जिस तरीके से मेरा मन करता है कभी मैं मोब से लगाती हूँ कभी हाथ से लगा देती हूँ तो बस इसी तरीके से घर के मैं कामों को मैनेज करती रही हूं। तो पूरे घर में पोछा भी मैंने लगा दिया है तो ये वाली जो मेट धुलने को डाली थी तो यहाँ पर दूसरी है वो लगा देती हूँ मेट को तो अभी चलते हैं बाहर इस तरीके से पूरा अच्छे से घर साफ सुथरा होता है तो मन को शांति मिलती है मुझे तो सुकून मिलता है तो बस आ चुकी हूँ यहाँ पर किचन में यहाँ पर जो खिचड़ी है वो मैंने सफाई कर कर रखी हुई थी सिर्फ डिब्बे के अंदर डालना बाकी था तो इसको पहले मैं रख देती हूँ उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी तो बस खिचड़ी को रखते हैं साइड में यहाँ पर जो मूँगफली के दाने हैं वो भी मैंने छिलकर रखे हुए हैं तो इसको भी मुझे रखना है तो बस ये जिप लॉक बैग है इसके अंदर मैं जो सारे जो दाने हैं उसको मैं रख दूंगी तो ये स्पेस बहुत ही कम लेता है इस तरीके से तो इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में क्योंकि बाहर की तरफ रखते हैं तो फिर ख़राब हो जाता है अगर मुझे बाहर रखना होता है तो मैं इसको सेक देती हूँ उसके बाद ही रखती हूँ वरना पूरा जो ख़राब हो जाएगा तो मैं इस तरीके से जो बैग ले लेती हूँ इसके अंदर ही रखती हूँ तो बस इसी तरीके से ये बैग मैंने ख़रीदी है ये मैंने डीमार्ट में से ख़रीदी है मैं पहले ही बता देती हूँ मैं कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखाती हूँ तो फिर मुझे बाद में कमेंट आती है आप उसका लिंक दे दीजिए तो मैंने ये कोई भी ऑनलाइन नहीं मंगवाई ये मैंने डीमार्ट में से ही ख़रीदी है तो अब करते हैं खाने की तैयारी यहाँ पर चावल है उसको मैंने तीन चार बार अच्छे से वॉश कर दिया है उसको भिगो कर रख देंगे और यहाँ पर दाल है उसको भी मैं उबालने के लिए रखूँगी तो मैं कुछ इस तरीके से स्टोर करती हूँ वरना जो मूँग की दाल है वो ख़राब हो जाती है तो बस इसके अंदर मैं लौंग और इस तरीके से तेज पत्ते वो डाल देती हूँ तो बस इसी तरीके से डालने से वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती तो कुछ लौंग है इसके अंदर गिर गए तो मैं वही निकाल रही हूँ फिर से उस दाल के अंदर डाल दूंगी तो बस दाल को मैं तीन चार बार अच्छे से पानी से वॉश कर दूंगी बस नमक डालकर उसको भी उबालने के लिए रख दूंगी तो दाल को भी चढ़ा दिया है यहाँ पर गेस्ट उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी यहाँ पर किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसको भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी क्योंकि मुझे अभी भले खाना बनाना बाकी है लेकिन गंदा प्लेटफॉर्म जो काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है तो बस यहाँ पर आटा है वो भी मैंने छान लिया है बस उसका मुझे डो बनाना है तो बस इसी तरीके से जो हमारा मॉर्निंग का काम चलता रहता है कहने को तो हम सिर्फ हाउस वाइफ होते तो जो हाउस वाइफ होती है उसे पता है कि कितना टफ है काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है कोई एक रुपया लिए बिना ही पूरा जो दिन घर का काम करते हैं ड्यूटी करते हैं तो इसी तरीके से बिल्कुल भी हाउस वाइफ को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए तो आप लोग क्या कहते हैं जो भी हाउस वाइफ है मेरी बात से सहमत है तो बिल्कुल बताना आप लोग कि हमें एक भी रुपया नहीं मिलता है लेकिन पूरा दिन घर का काम इसी तरीके से हम करते हैं और सब घर के सदस्य उसकी हम केयर भी करते हैं खाने में अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं सबका स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहे वैसे तो बिल्कुल भी हमें एक रुपया चाहिए भी नहीं लेकिन किसी किसी की इस तरीके से सोच होती है कि हाउस कि ये तो काम ही नहीं करती ये तो हाउस वाइफ है घर पर खाली बैठी इस तरीके से किसी सोच होती है उसके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि हाउसवाइफ बनना बिल्कुल भी, भी आसान नहीं है एक बार ये पूरा दिन का एक दिन घर संभाल कर तो बताए इस तरीके से कि कितना मैनेज करना टफ हो जाता है घर पर गेस्ट आए बच्चे को संभालना हस्बैंड को संभालना इतना भी आसान नहीं जितना जो लोग बोलते है कि ये तो कुछ नहीं करती ये तो हाउस वाइफ है तो जो एक हाउस वाइफ होती है ना उसका पूरा दिन इसी तरीके से घर का काम करने में ही निकल जाता है सबकी केयर करने में निकल जाती है कि आज खाने में क्या बनाए रात को क्या बनाए घर का काम क्या करना सबको संभालना ना, इसी में पूरा वक्त निकल जाता है तो बस यहाँ पर जो दाल है वो भी उबल चुकी है दे देंगे तड़का यहाँ पर जो साइड में चावल चढ़ा है वो भी थोड़े ही बाकी है तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये लकड़ी का कड़छा है जो मैंने हरिद्वार से खरीदा था तो तेल गर्म हो चुका है इसके अंदर मैंने डाली है राई जीरा हींग हल्दी का पाउडर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आज मैं दाल की सब्जी बना रही हूँ इस तरीके से आप बोल सकते हैं क्योंकि हम इसको गुजराती में बोलते हैं कि लचको दाल जब भी हमें सब्ज़ी नहीं बनानी होती तो इसी तरीके से हम उसको तड़का देते हैं तो बस लास्ट में मैंने यहाँ पर कड़ी लीव्स डाली है उसके अंदर हरी मिर्ची एंड टमाटो भी डाल दिया है थोड़ा सा डालूंगी यहाँ पर नमक ताकि टमाटो जल्दी से पक जाए तो बस थोड़ी देर के लिए मैं उसको ढक कर पकने दूंगी ताकि टमाटर जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो इस तरीके से जो दाल बनाती है उसको हम गुजराती में लचको दाल बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना कि इस तरीके से गाढ़ी दाल को आप लोग क्या बोलते हैं तो बस टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके है तो ये जो दाल है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी अच्छे से मिक्स कर दूंगी तो आप देख सकते हैं हमारे दाल वाली सब्जी जो तैयार है इसको हम लचको दाल बोलते हैं तो बस यहाँ पर इसको मैं ढक कर रख दूंगी तो बस दाल तो हो चुकी है अब सिर्फ मुझे रोटी ही बनानी है यहाँ पर चावल है वो भी हो चुके हैं तो घर के पास जो सब्जी बेचने वाला आया था तो उसके पास आम था तो मैंने दो खरीद लिए ये वन के जी है लेकिन बड़े बड़े हैं तो सिर्फ दो ही आए हैं तो बस बहुत ही गर्म थे तो मैंने इस तरीके से पानी में डुबो कर रख दिया है ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए तो बस आज मुझे आम का रस खाने का बहुत ही मन हो गया तो बस घर के पास आया तो मैंने खरीद लिया वैसे तो मेरा फेवरेट आम है वो केसर आम है लेकिन कभी कभी चल जाता है आज मुझे बहुत ही क्रेविंग हो रही थी आम के रस खाने की तो फिर मैंने खरीद ही लिया घर के पास आया था तो बस उसको मैं अच्छे से कट कर दूंगी तो तो आम का रस हम इसी तरीके से बनाते हैं सबके अलग अलग रीत होती है बनाने की तो बस हम इसी तरीके से उसको रफली काट लेते हैं बस इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे चीनी और थोड़ा सा दूध डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर, कर उसको ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर दूंगी तो बस हमारा आम का रस तैयार है आप इसे मैंगो शेक भी बोल सकते थोड़ा सा पतला रखेंगे तो यह मैंगो शेक हो गया शाम के बज गए हैं चार चार और दस हुई है आपको टाइम दिखाती हूँ तो चार और दस हुई है तो, तो फ्रिज में से कुछ निकाल लेते हैं फ्रूट चार बजे में एक फ्रूट खाती हूँ तो देखते हैं क्या है घर में फ्रूट मौसमी और संतरा है तो एक मौसमी ले लूंगी खाने के लिए मौसमी ले ली है कट कर कर खा लूंगी आज जाना है गांव में मंदिर में है सप्ताह यानी कि कथा है कथा सुनने के लिए तो बस फ्रूट खा लेती हूँ उसके बाद मैं रेडी होकर मिलती हूँ सीधा आपको तो बस मैं तैयार हो गई हूं, इस तरीके से मैंने बाल का जो जूड़ा बना दिया है क्योंकि बहुत बहुत ही बाहर की तरफ गर्मी है तो बस सिंपल ही कुर्ती पहनी तो चलो चलते हैं आप लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं आप लोग भी दर्शन कर लेना तो ये माधा माधापर का पाठोत्सव है मंदिर का तो एक साल उसको पूरे होने को आए इसीलिए ये बड़ा सा पाठोत्सव हुआ है तो आप देख सकते हैं कितनी सारी ऑडियंस है यहाँ पर पीछे की तरफ आपको दिख रहा है शेरी का रस और फ्रूट जो सबको ऐसे ही जो खाने को यहाँ पर दे रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर क्योंकि बहुत ही गर्मी है तो इस तरीके से रखा हुआ है और ये है हमारे सारे फौजी इन सब का यहाँ पर सम्मान किया गया हुआ है क्योंकि हमारे देश की जो ये रक्षा करते हैं तो इसीलिए सबके मंच पर इसका सम्मान किया हुआ है और बहुत ही गर्मी है तो इस तरीके से ऊपर आप देख सकते हैं फाउंटेन है तो इसके अंदर से हल्का हल्का पानी निकलता है तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती वरना क्या है कि चालीस डिग्री के ऊपर यहाँ पर तापमान है तो बस यहाँ पर सप्ताह है वो भी पूरी हो चुकी है सब लोग जा रहे हैं प्रसाद खाने के लिए तो हम लोग भी वहीं पर जा रहे हैं तो तो शाम के सवा सात करीब बजे हुए और हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी होता है वरना बहुत ही फिर लेट हो जाता है रात को इतनी सारी ऑडियंस होती है तो फिर जल्दी चालू नहीं करेंगे तो फिर कब पूरा होगा तो बस हम लोगों ने खाना खा भी लिया है और आप लोगों को मैं ये मंदिर दिखा रही थी उसके ऊपर लिखा हुआ है एक साल पूरा हुआ इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं तो यह है आज का ब्लॉग छोटा सा आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें